समझे? मेरी कोई दिक्कत नहीं चला। बस एक कदम ऊपर हो गया। हम जिस तरह पैर रखना टेढ़ा करके। हाँ सर, इस तरह उतरो। सर लोग कब तक रहेगी बर्फ? सर दो चार दिन। दो चार दिन है भाई यही तरीका उतरने का बर्फ से। ओ ब्लैकबेरी। तो भाई इस बार मैं कैंपिंग करने जा रहा हूँ माँ के साथ, ठीक है। इससे पहले मेरी आपने कैंपिंग वीडियोस देखी होंगी, वो दोस्तों के साथ ही, पर माँ के साथ जाना एक अलग ही फील है, ठीक है। बट और मेरी माँ को मेरे से ज्यादा शौक है घूमने का। तो माँ को मैंने जब आया था ना, घर में अभी छुट्टी आया थोड़े दिन के लिए, मैं जम्मू में आया हूँ आपको बता दूँ। तो माँ को मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि माँ हमने कैंपिंग करने जाना है, तो मम्मी तब से तैयारी कर रही है, ठीक है। और आज तारीख है 26 तारीख और टाइम हो गया है लगभग 2 बज गए हैं, और कैंपिंग अभी कोई डिसाइड नहीं है। अभी जम्मू से मैं कश्मीर वाली साइड जाऊँगा, लगभग 3 घंटे की ड्राइव है, और मैं इस बार जा रहा हूँ 4 व्हीलर के ऊपर, क्योंकि बाइक मेरी गंगानगर में है। तो यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव करके 5 बजे तक मैं सोच रहा हूँ कि कैंपिंग साइट पर पहुँच जाएँ। कैंपिंग साइट अभी कोई डिसाइड नहीं है, जाके देखेंगे, जो अच्छी साइट लगी वहीं कैंप सेट कर लेंगे। तो अभी जल्दी से सामान रखते हैं मैम जी। जी चलिए चलो। जी 2:30 हो गए हैं और पहाड़ियां आगे आना शुरू हो गई हैं। अभी धूप भी तेज है, कल तो बारिश हो रही थी पर आज धूप तेज है, ठीक है। और ये सिद्धड़ा एरिया है जहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ। तो मुझे कैसा लग रहा है? ठीक है बेटे। और देखो ये बाइकर गया है, आज संडे है तो बंदे जा रहे हैं अभी संडे राइड करने। माँ जी कुछ कहना चाहते हो? ठीक है बेटे। तो पहली टनल आ गई है भाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। वैष्णो माता यात्रा आपकी सफल करे। उधमपुर पहुंच गए और बारिश भी शुरू हो गई है। देखो गाड़ी के शीशे के ऊपर बूंदे पड़ रही हैं, ठीक है। तो कैंपिंग में एडवेंचर होने वाला, ठीक है। पर अभी ना थोड़ी सुस्ती पड़ रही है गाड़ी चलाते चलाते, और 1.5 घंटा हो गया राइड करते हुए। तो अभी किसी ढाबे के ऊपर चाय पियेंगे। राम जी इन्हीं चाय पियेंगे? बारिश लगी है पर इधर थोड़ी ठंडक भी ज्यादा है ना मुझे। ठंड है इधर थोड़ा, मौसम में फर्क अभी से महसूस हो रहा है। तो चाय पीते हैं अभी। इधर देखो पहाड़ियों समझे, ये देखो इधर कितना अच्छा ना बारिश तो लगी है। चाय पीते हैं गरम गरम। भाई सामने देखो एक कल नई फ्रेश बर्फ पड़ी है पहाड़ों के ऊपर, और लोकल बंदे बता रहे हैं कि नत्था टॉप पे भी बर्फबारी हुई है कल, और कह रहे आज आज के लिए कल तो पिघल जाए क्योंकि मौसम नहीं है बर्फ वाला। तो देखते हैं वहाँ पे बर्फ कितनी पड़ी है नत्था टॉप पे। तो भाई जी पत्नी टॉप पहुँच चुके हैं, पर पत्नी टॉप हम रुकेंगे नहीं क्योंकि अभी 5 बज गए हैं, तो हमने जहाँ कैंप सेट करना वहाँ पहुँचना है पहले। तो अभी हम निकल जाएंगे नत्था टॉप वाली साइड, ठीक है। तो होटल नहीं भाई, नत्था टॉप जाना है। नत्था टॉप का भैया ये रास्ता। हाँ वही रास्ता। वगैरह लेना बर्फ में जाने के लिए है? शूज वगैरह लेना? शूज वगैरह नहीं नहीं ठीक है थैंक यू भाई।
दुबई नत्था टॉप के लिए निकल जाएंगे। सत श्री अकाल। तो पतिंगा से रास्ता निकलता है ऊपर नत्था टॉप के लिए, तो वहाँ बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है। सारे बता रहे हैं और पूछ रहे थे कि भाई शूज चाहिए क्या बर्फ के लिए, तो हमने तो मना कर दिया। एम जी लेने शूज नहीं, शूज नहीं चाहिए भाई। तो अभी देखते हैं क्या हालात है वहाँ पे। काफ़ी वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं ऊपर से नीचे उतर के। और पत्नीटॉप आपको ना कल दिखाएंगे जब वापसी में आएंगे ना वापस, उस टाइम आपको दिखाएंगे पत्नीटॉप। और अभी अपना फर्स्ट टारगेट है कि शाम होते होते दिन ढलने से पहले पहले अपना कैंप सेट हो जाए। भाई जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो माँ का थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है। माँ बोल रही है वापस चलते हैं, जहाँ ठंडी में कहाँ रात गुजारेंगे। मुझे की गल हुई ठंडी लग रही है थोड़ी, ठंडी तो है, रात को तो ज्यादा होगी, रात को ज्यादा होगी थोड़ी। देखते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। भाई माँ का मूड चेंज हो रहा है। नहीं, चलो 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 जी, भले भले एक मिनट। भाई जी मम्मी नूं पसंद नहीं आया कम, ठीक है। तो मम्मी नूं लेके जा रहे हैं नीचे। हम जिस तरह पैर रखना टेढ़ा करके, हाँ इस तरह, इस तरह उतरो, हाँ इस तरह, हाँ इस तरह। थोड़ा गलत कर रहा है। तो मम्मी नूं भी छोड़ते हैं नीचे, फिर तो मैं अकेला जाऊंगा अभी ऊपर। तो भाई जी माँ को नीचे गाड़ी में बिठा के ऊपर आया हूँ, और ऊपर आते आते ना हालत बुरी हो रही है, स्लिप इतनी ज़्यादा है। और हमारा गाइड हमें लेके आया, मैंने से पूछा भाई यहाँ की हिस्ट्री क्या है, बोलता है बर्फ़ की कोई हिस्ट्री नहीं है। कहता बर्फ़ है, बर्फ़ की कोई हिस्ट्री नहीं है। और यहाँ ऊपर स्लेजिंग होती है, यहाँ से स्लाइड करवाते हैं बिठा के। तब लोग की नाथ गाइड है हमारा। बर्फ़ में चलना इतना आसान नहीं है भाई, तब लोग की नाथ के हाथ की वजह से, इसकी सपोर्ट की वजह से चल रहा हूँ। सही किया, माता आई नहीं। तो बर्फ से नीचे उतरना ना, तो स्लाइड इस तरह से करना है भाई। पैर ये देखो, अगर ऐसे ही उतरोगे तो भाई स्लिप हो जाओगे। इधर से ऐसे हो जाए, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट काफी आ रखे हैं, तो उनके पैरों की वजह से स्लिप बढ़ जाता है। तो कब तक रहेगी बर्फ? सर दो चार दिन। दो चार दिन है भाई। अगर आप भी जम्मू के आसपास हो तो आ जाओ जल्दी देखने के लिए, नहीं तो अभी ये बात अगले सीजन में मिलेगी। बर्फ इस सीजन की लास्ट बर्फ है ना। और क्या, जब कल गिरी है ऐसे मगदर से, कल गिरी है, कल जम्मू में जो बारिश हुई थी उसी वजह से, और इधर बर्फ गिरी है तो खत्म हो गई थी, एंड हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गई थी, एंड हो गया था। भाई बोल रहा है फ्रेश स्नो है, इसमें आया नहीं है कोई। ये देखो इधर सामने देखो, कोई टूरिस्ट नहीं आया, बिल्कुल साफ पड़ी हुई है। और जहाँ टूरिस्ट घुस जाते हैं वहाँ गंद मच जाता है। पानी वाह, ये बर्फ अच्छी है ना, इसमें चलने का भी अच्छा दिल करता है। एक्चुअली हाइट ज़्यादा थी, मेरे को भी चढ़ना मुश्किल हो रहा था, तो माँ तो कहाँ चढ़ पाते। यही तरीका उतरने का बर्फ से, जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं ना ऐसे, वैसे ही बर्फ में ऐसे उतरना है। ये कौन सा पेड़ है भाई? ये इसमें स्ट्रॉबेरी लगती है। वाओ स्ट्रॉबेरी, वही ये देखो
ये स्ट्रॉबेरी भाई बोल रहा है, स्ट्रॉबेरी का पेड़ है। ओ ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी हिंदी में बोलते हैं तूत है ना। तो अभी इसको देखो पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। सात बार फूलता है साल में हैं? सात बार फूलता है, एक सात बार फूल लगता है एक साल में। एक साल में सात बार फूल लगता है। सुना आपने क्या बोल रहा भाई? ये जो ब्लैकबेरी के पेड़ है जो आप दिख रहे हैं ना, ये जाड़ियां नहीं ब्लैकबेरी के पेड़ है, और इसको साल में सात बार फल लगता है, सेवन बार। यानी कि लगभग ढाई महीने में फल दे देता है ना? फल नहीं, फूल आता है, फल एक ही बार देता है साल में। अच्छा सॉरी भाई, सिर्फ फूल आता है, फूल सात बार आता है, फल एक बार देता है। अभी इसके बाद फल देगा? अभी फल देगा ये अगस्त मई में। ओके, ये जो फूल लगे हैं मई जून जुलाई में फूल भरा हुआ रहेगा, ब्लैक जैसा होता है। ओके, ये लगाए हुए हैं या खुद हुए हैं? खुद का जंगल है ये सर। अच्छा। बर्फ नहीं होती तो आप क्या करने आते हैं? हाँ, बर्फ की वजह से आप इधर प्रैक्टिस कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखा वो भी नीचे आ गए हैं अभी। त्रिलोकी भाई, जब बर्फ नहीं होती है फिर क्या आपका क्या रोजगार, फिर क्या करते हो? फिर गाड़ी गुड़ी चला लेते हैं सर। हाँ, बाहर अच्छा। जाते हैं साउथ लैंड में। अच्छा साउथ? हाँ साउथ, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया कहाँ पर जाते हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, एप्पल लेके जाते हैं कश्मीर से, उधर से लाते हैं ओरेंज, केला, मैंगो वगैरह। अच्छा ट्रक चलाते हो? ट्रक टूरिस्ट आ गया, तो माता का मूड थोड़ा सा चेंज हो गया है, बर्फ देख के थोड़ा सा गिर भी गए, और माता बोल रही है कि यहाँ ठंडी बहुत है। मैंने बोला कि चलो होटल ले लेंगे बाहर, कैंपिंग नहीं करेंगे, पर माता का एक बार चेंज हो गया तो मनाना मुश्किल है, तो अभी बोल रहे हैं वापस घर जाना है। उन्हें की क्या गल होगी? सर्दी है, सर्दी होटल ले लेंगे ना, रूम उधर कपड़े कंबल देंगे। ठंड नहीं है राती, नहीं कमरे में ठंड थोड़ी लगेगी, तो वही बात है ना, मेरे को पता है कि जब मम्मी ने बोल दिया ना वापिस जाना है तो वापिस जाना है, तो कैंपिंग अपनी हो गई आज की, ठीक है। तो कोई ना, फिर कभी प्लान करेंगे अच्छे ढंग से, कुछ शायद कोई कमी रहेगी, तो अभी चलते हैं वापिस। भाई जी पहुंच गए हम हवेली में, जम्मू में आ गए वापिस, तो टाइम हो गया अभी 8:50, ठीक है। तो कैंपिंग मम्मी कैसी थी कैंपिंग? अच्छी थी। तो कोई ना, ये वाली कैंपिंग तो ऐसी रही, तो ट्राई करेंगे कि ऐसी अच्छी कैंपिंग आपको नेक्स्ट टाइम दिखाने की। तो मैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फिर एक बटन चैनल पे नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। तो मिलते हैं अपने अगले ऐसे न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।